दिग्विजय सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, प्रवीण सिंह एरन जी, जितेंद्र प्रसाद जी, हाजी जमील अहमद जी, सलीम अख्तर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। जहां भी मैं जा रहा हूं, जहां भी मेरी मीटिंग हो रही है, वहां पे सबसे ज्यादा युवा दिखाई दे रहे हैं। युवा इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि युवा उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहता है और एक नया भविष्य चाहता है। युवा कह रहा है कि 22 साल से उत्तर प्रदेश में हमें कुछ नहीं मिला। युवा मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, आंध्रा जाता है, इन प्रदेशों को देखता है और कहता है और पूछता है कि भाई, अगर आंध्रा में विकास आ सकता है, मुंबई में विकास आ सकता है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकता। ये सवाल युवा के दिमाग में, और इसलिए वो इस मीटिंग में आ रहे हैं। में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती और हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमने 10-15 वायदे नहीं किए, सिर्फ एक वायदा किया, आपसे कहा देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीब की होगी, पिछड़े की होगी, अल्पसंख्यक की होगी, मजदूर की, किसान की सरकार होगी। और हमारे जो विपक्षी दल थे, उन्होंने आपको एक अंग्रेजी में नारा दिया, किसी को याद है नारा? हाँ, जोर से बोलो, शाइनिंग इंडिया। अब आधे हिंदुस्तान को यह नारा नहीं मालूम, अंग्रेजी में था, आधे हिंदुस्तान को समझ में नहीं आया। और पत्रकारों ने उनसे पूछा, भैया ये शाइनिंग इंडिया जो आप कह रहे हो, हिंदुस्तान चमक रहा है, ये नारा आपको कहां से मिला? और उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा, और जब मैंने सुना ये बात मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा कि मैं टेलीविजन देख रहा था और एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, एक इश्तेहार देखा वहां पे सूट का, और सूट के एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था इंडिया शाइनिंग। और मैंने सोचा ये बहुत अच्छा नारा है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, इनके नारे बनते हैं कमरों में, टेलीविजन से, टेलीविजन को देखते हैं और ये नारे बनाते हैं। आपके घरों में नहीं आते, आपके बीच में नहीं आते, आपसे नहीं पूछते, भैया क्या हाल है, क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है? नहीं, दिल्ली से नारे बनाते हैं। आपने क्या किया 2004 में? आपने क्या किया? आपने कहा ये आप अपना नारा रखो, हमें आम आदमी की सरकार चाहिए, हमें मनमोहन सिंह जी चाहिए, हमें सोनिया गांधी जी चाहिए, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करते हैं। और पहली बात हमने क्या कही, क्या किया हमने? हम आपके बीच गए और आपसे पूछा, भैया क्या कमी है, क्या करना चाहिए? और आपने हमें जवाब दिया, आपने कहा शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, बड़े लोगों को आसानी से रोजगार मिलता है, गरीब को रोजगार नहीं मिलता, इसके बारे में आप कुछ करिए, गांव में रोजगार नहीं मिलता, इसके बारे में आप कुछ करिए। और हमने दुनिया में सबसे बड़ी रोजगार की योजना, महात्मा गांधी योजना, रोजगार योजना चालू की, 100 दिन 120 रुपए, मतलब 12,000 रुपए हर एक मजदूर को, हर एक गरीब को जो अपने देश के लिए काम करना चाहता है। और ऐसे स्टेज से मायावती जी ने क्या कहा,
रोजगार योजना से किसी को फायदा नहीं होगा। नाटक है कांग्रेस पार्टी का। हम रोजगार के अधिकार की बात कर रहे हैं और वो कहती है नाटक। विपक्षी दलों ने क्या कहा? पैसा कहां से आएगा? सवाल पूछा पार्लियामेंट हाउस में हमसे, पैसा कहां से आएगा? हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा। जब गरीबों की बात होती है पार्लियामेंट में उठता है सवाल पैसा कहां से आएगा। जब चोरी करते हैं तो ये सवाल नहीं पूछते, जब भ्रष्टाचार करते हैं तो ये सवाल नहीं पूछते भैया ये गरीबों का पैसा चोरी हो रहा है। जब किसानों से जमीन छीनते तब ये सवाल नहीं पूछते भैया पैसा कहां से आएगा। तब किसान पे गोली मारते हैं, भट्टा परसौल में गोली मारी, टप्पल में गोली मारी, तब सवाल नहीं पूछते हैं। हमने भोजन के अधिकार की बात की, हमने कहा कि प्रगति हो गई है, महाराष्ट्र में प्रगति आई, हरियाणा में, दिल्ली में, आंध्रा में पैसे की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। हमने कहा अगर हिंदुस्तान में प्रगति है तो इस देश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। आपके बीच में गए, आपसे पूछा, गरीब लोगों से पूछा और आपने हमें बताया कि भैया भोजन का अधिकार होना चाहिए। हम बिल लाए पार्लियामेंट हाउस में, मायावती जी ने क्या कहा? नाटक है। विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं? पैसा कहां से आएगा? हम दिखाएंगे पैसा कहां से आएगा। मगर सबसे जरूरी सवाल यह है वो पैसा है किसका? वो पैसा हमारा नहीं है, पैसा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, दिल्ली की सरकार का नहीं है, आपका है। नाम क्या है आपका? जोर से बोलो। जावेद का पैसा है, आप सबका पैसा है। क्यों? इसके पसीने से आया वहां पे वो, इसने काम किया है, इसने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है और आप सब ने किया है। ये बीएसपी का पैसा नहीं है, ये जावेद जैसे हजारों करोड़ों लोगों का पैसा है और इसका फायदा आपको होना चाहिए। लखनऊ में हम पैसा भेजते हैं, हाथी बैठा रखा है उन्होंने, जावेद जानता है क्योंकि जावेद के पैसे चोरी होते हैं। दिल्ली की सरकार पैसा भेजती है, जावेद कहता है भैया मेरा बच्चा है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्कूल में पैसा नहीं आता, और जावेद कहता है भैया हाथी खा गया पैसा। गरीबों का पैसा था, जावेद का पैसा था, हाथी खा गया, हड़प गया। ये हो रहा है। और आपके जो नेता है जावेद से बात नहीं करते, आप लोगों से बात नहीं करते, गरीबों से बात नहीं करते, आपके घरों में नहीं आते, दिल्ली से नारे देते हैं इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक गया, भैया आओ गांव में आओ, देखो अपनी आंखों से चमका है या नहीं चमका है पता लग जाएगा, सड़कों पे चलो जरा पता लग जाएगा सड़क है या गड्ढे, स्कूलों में जाओ देखो कितने मास्टर आते हैं, बच्चों की क्या पढ़ाई होती है, नहीं हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे। 5 साल मायावती जी ने राज किया, कभी आपने उनको गांव में देखा है? जावेद जी कभी देखी है उनकी फोटो गांव में? कभी देखी है? मैंने अपनी आंखों से तो कभी नहीं देखी। और मैं गांव में भी जाता हूं, मैं हर गांव में जाता हूं, पूछता हूं भैया आपकी सीएम आई मायावती जी आई बात की आपसे? नहीं भैया वो तो नहीं आती। हजारों गांव में गया हूं मैं पिछले 7 साल, एक बार किसी ने मुझे नहीं कहा भैया मायावती जी या मुलायम सिंह यादव जी यहां आए हमसे बात की, एक बार नहीं बोला। और वो आपकी सीएम है, बुंदेलखंड गया था वहां पे रो रहे थे लोग, सूखा पड़ा था, लोगों ने कहा भैया मर रहे हैं हम यहां पे मदद कीजिए, यूपी की सरकार मदद नहीं कर रही। हम गए प्रधानमंत्री जी के पास, उनसे कहा प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड रो रहा है। 2-3 दिन लगे, 3,000 करोड़ रुपए भेजे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? इनका जो पैसा था, आपका जो पैसा था, क्या हुआ उसे? कहां गया? कुओं में गया? नहीं। सड़कों में गया? नहीं।
युवाओं की शिक्षा में गया? नहीं। पार्टी खा गया। देखो 21वीं सदी है, 21वीं सदी है और जादू का पालतू हाथी है, लखनऊ में बैठा हुआ है। आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास खाता है, घूमता रहता है। ये हाथी घूमता नहीं, ये लखनऊ में बैठता है और गरीब लोगों के पैसे खाता है। जो भेजो नरेगा का पैसा हाथी खा गया, स्वास्थ्य का पैसा हाथी खा गया, और जब हाथी पैसे हजम कर लेता है तो फिर मंत्रियों को निकाल दिया जाता है। भैया पैसा हजम हो गया, इलेक्शन के लिए एक महीने बचे हैं, एक महीना बचा है, मंत्रियों को हटाओ, निकालो, इन्होंने चोरी की। पैसा गया कहां? गया कहां? एक तो दिल्ली में घूम रहा है उनका मंत्री, दिल्ली में घूम रहा है मंत्री, सीबीआई पड़ी हुई है उसके पीछे। हजारों करोड़ रुपए आपका चोरी किया है, जावेद का चोरी किया है, हजारों करोड़ रुपए आपके भविष्य का पैसा है, गरीबों का पैसा है। आपके बीच में नहीं आते, आपसे पूछते नहीं भैया क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग आपके नौकर हैं, हमारा काम आपकी मदद करने का है। अगर आपके जो नौकर हैं हम हैं, अगर वो आपके आपके बीच में नहीं आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं हम? जो राजनेता होता है ना, मुश्किल क्या है आजकल लोग क्या सोचते हैं, राजनेता क्या सोचते हैं कि एक बार मैं इलेक्ट हो गया, चुन गया, तो फिर मैं सिर्फ लाल बत्ती में घूमूंगा। नेता का ये काम नहीं होता है। नेता का काम होता है लोगों की सेवा, लोगों के बीच में जाना, उनके घरों में जाना, उनके साथ भोजन खाना, कुएं में गंदा पानी होता है वो पीना। कभी मैं जाता हूं गांव में, जाता हूं गंदा पानी होता है कुएं में, लोग देते हैं मुझे ग्लास में, गंद दिखता है उसमें, मैं कहता हूं मैं पी लेता हूं। क्यों? दो तीन दिन बीमार होऊंगा, बीमार होऊंगा फिर पता लगेगा गरीब को क्या करना पड़ता है, क्या सहना पड़ता है। फिर मैं अपनी जिंदगी में, फिर मैं अपनी जिंदगी में आपको ऐसा कभी नारा नहीं दूंगा, इंडिया शाइनिंग। और अगर मैंने ऐसा नारा दिया तो मुझे शर्म आएगी कि मैं इस गरीब हिंदुस्तान को यह नारा कैसे दूं, कैसे दिया मैंने, शर्म आएगी मुझे अगर मैं आपके घरों में जाता।